तो गाइस हम लोग का खार दुंगला हो गया और यहाँ पे क्यूटी अपने को मिल गया है। हाँ, अपन कैमरा सेट करते थोड़ा। कैसा लग रहा है खार दुंगला अचीव करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई है। 22 साल की उम्र में भाई खार दुंगला किया है, वो भी मुंबई से लेह लद्दाख खुद की बाइक पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है day 9। आज हम लोग जा रहे हैं लेह सिटी से नुब्रा तक और हम लोग को आज पड़ेगा खार दुंगला पास, जो कि ऑल माइटी खार दुंगला। तो वो एक बहुत मतलब 2-3 साल पहले वर्ल्ड्स टॉप क्या हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, अभी हो गया उमलिंगला। उमलिंगला भी हम लोग का प्लान में है, उमलिंगला अभी खार दुंगला सेकेंड पे है। एंड आप देख सकते हो मेरा लिप्स या लोअर लिप्स प्रॉपर बीच में से फट गया, तो हाँ दे तो उसके वजह से ठीक से बात भी नहीं करने हो रहा है। तब तक आप पीछे का व्यू एंजॉय करो और अपने तौफिक भाई को भी एंजॉय करो। कोई नहीं, हम लोग सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग किधर नहीं जाने वाले। आज हम लोग खाने वाले ब्रेड और पीनट बटर, बस इतना ही खाने वाले आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। मीत का गाड़ी जो है वो पंचर हो चुका है, कल से हम लोग उसी पे लगे हुए। मीत तो बेचारा पूरा घूम ही रहा है, अभी वो 6.5 किलोमीटर दूर है पंचर बनाने वाला। तो देखते हैं अभी क्या सीन है, जो भी रहेगा आपको अपडेट करूँगा। ठंडी तो बहुत बढ़ गई है और अपने को नुब्रा में बहुत ठंडा मिलने वाला है, माइनस तक जाने वाले हैं। और यहाँ पे अपना सनी उसका पंछी उड़ाने वाला है, बेचारे को शांति स्तूपा में और ठिक्सी मॉनेस्ट्री में उड़ाने नहीं मिला। ठिक्सी में उड़ाने मिलता था बट उन्होंने 1500 का कॉस्ट बोला तो कैंसिल हुआ। शांति स्तूपा में अलाउड ही नहीं है क्योंकि आर्मी का है सराउंडिंग में। तो यहाँ पे पंछी को बिठा दिया है, अभी वो उड़ाएगा 2 मिनट में। जो रास्ता है नुब्रा का रास्ता है, पहले लगता है खार दुंगला, लेफ्ट और राइट में देख सकते हो कम्प्लीटली स्नो से कवर हुआ है। यहाँ पे आपको लगता होगा कि ठंडी कम है बट काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रहा था हम लोग को। एंड मतलब बीच बीच में ऑफ रोड आ रहे थे, रास्ता ख़राब था, ब्लैक आइस आ रहा था, काफ़ी कुछ फेस करने मिल रहा था। यहाँ पे गर्दी देख सकते हो कितना गर्दी है लेफ्ट में राइट में। एंड यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है। एंड फाइनली हमने हमारा ड्रीम राइड कंप्लीट किया है। जैसे आप अब घर पे बैठ के मेरा व्लॉग्स देख रहे हो, कोई ऑफिस में रहेगा, कोई घर पे रहेगा, कोई सोफा में चिल करते हुए व्लॉग्स देखता रहेगा, वैसे ही एक टाइम पे मैं भी अपने व्लॉग्स देखता था ऐसे ही घर बैठे बैठे बाकी लोग का पूरा एपिसोड देखता था। आज मैं खुद अपने खुद के बाइक से लद्दाख आया हूँ, खुद का स्टिकर बनाया है, खुद का स्टिकर चिपका रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड में। अगर आपको ये लद्दाख सीरीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। यहाँ पे अपना स्टिकर लगा रहा हूँ मैं, एकदम मस्त लग चुका है। आई होप आपको लद्दाख का सीरीज़ पसंद आता होगा मेरा अब तक का। यहाँ पे देख सकते हो फैमिली राइडर्स कितने लोग हैं, गर्दी बहुत ज़्यादा है। व्लॉग पीछे लास्ट ट्रिप देखा रहेगा अपना खार दुंगला, 5 मिनट में ही मेरे को सर दुखना चालू हो गया, फ़ोटोज़ निकाल लिए मैंने, वॉशरूम हो गया सुसु करके। मैं थोड़ा आगे निकल आया हूँ पूरे ग्रुप से, थोड़ा थोड़ा नीचे जाके रुकूँगा मैं,
और धूप भी आया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। सिर्फ सर दुख रहा है मेरा, सर पकड़ लिया है, तो मैं आगे निकल आया हूँ, रुक लूँगा और के लिए। थोड़ा इमोशनल हो गया था भाई लोग मैं, क्योंकि ऐसा बोलूँ ना, ये सब मैंने व्लॉग्स में देखा था। एंड यही ईयर में, मतलब क्या मार्च के महीने में मैंने कोई तो एक दोस्त को बोला था कि भिंडी 2 साल हुआ एक्सपल्स लेके, इतने लोग पूछ रहे लद्दाख कब जाएगा, लद्दाख कब जाएगा। और मैं भी खुद यही साल में डिसाइड किया था कि भाई इतना 2 साल हो गया बाइक लेके, अब तक लद्दाख गया ही नहीं हूँ। और देखो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं घर से, घर के नीचे से लेकर यहाँ तक, ऑल थैंक्स टू गॉड एंड ऑल थैंक्स टू माय फैमिली, फ्रेंड्स, माय कजिन्स, जिसने भी मेरे को सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, और जो जिसने भी दूर रहा है मेरे से, उन्होंने भी जो मेरे को बातों में, मतलब कि हाँ तू कर सकता है, तू तेरा ड्रीम लाइफ जी रहा है, तेरे से हो जाएगा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो वही है भाई लोग, सिर्फ फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होता है। जब वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, वो भी एक सपोर्ट होता है। बहुत बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत। अभी रुकता हूँ यहाँ पे साइड में, किधर अच्छी धूप देख के, यहाँ तो रुक नहीं सकता। आज हम लोग का स्टे है नुब्रा वैली में, एंड यस आई डिड इट। बस हुमलिंगला भी कर लेंगे यार, ऐसे माँ की आँख, हुमलिंगला भी कर लेंगे अपन। तो गाइस, हम लोग का खारदुंगला हो गया और यहाँ पे क्यूटी अपने को मिल गया है, डर के मारे भाग रहा है यार। तो अपना खारदुंगला अचीव हो गया गाइस, तो अपन थोड़ा दिल से बात करते हैं अपने सागर भाई से। हाँ, अपन कैमरा सेट करते थोड़ा। तो भाई कैसा लग रहा है खारदुंगला अचीव करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई ने किया है। 22 साल की उम्र में भाई खारदुंगला किया है, वो भी मुंबई से ले लद्दाख खुद की बाइक पे। भाई इस बाइक पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो होना चाहिए भाई। भाई को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, माउंटेन सिकनेस का प्रॉब्लम हो गया था, उसका सर दर्द हो रहा था। लोगों को ब्रीदिंग इशू होता है, मेरे को कुछ ब्रीदिंग इशू नहीं होता, सिर्फ सर सर पकड़ रहा था, तो मैं थोड़ा जल्दी आगे निकल गया। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सॉर्टेड है, अभी बढ़िया। बात जो ऑफ रोडिंग किया है ना हमने, बहुत मजा आया। अभी तो उमलिंगला बाकी है यार, करेंगे बाकी। आर भी कैसा लग रहा है खारदुंगला अचीव करके? 17,900, सही फुल मजा आ गया। अभी अपने को उमलिंगला करना है 19,300 feet, वो भी कर लेंगे भाई, कर लेंगे, बहुत बढ़िया कर लेंगे। कोई किसी को इशू नहीं है, अभी तक सब स्मूथ जा रहा है। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है और वो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या एडवेंचर होएगा लाइफ में। सब स्मूथ होएगा तो कुछ, यस, जैसे कि ये मीत भाई का अब इनका मुंह देखो, हम लोग ने टायर में हवा भरने के लिए इतना परसेंट कवर किया, मजा आ रहा है अभी तक। उधर वो साइड से एक ही बनाना मसाला ज्यादा और ज्यादा।
वो पीऊंगा तो मजा आएगा ना, सूप पीऊंगा तो। ओ मैंने पढ़ ली। बाय बाय, इसको इनको थोड़ा दूर करो ना, थोड़ा दो, एक दो। दादा इसको लेके जाना जरा, ना बुरा लगता है यार ऐसे। इनको लेके जाओ ना, मतलब हम लोग को अच्छा नहीं लगता उनको हटाना। तो गाइस हम लोग नुब्रा के, नुब्रा सिटी के बहुत पास है, तो जाते टाइम यहाँ से हम लोग जा रहे थे ऐसे, तो ये व्यू दिखा हम लोग को, ये व्यू और ये पीछे का व्यू आपको जो भी दिख रहा है, ये व्यू हम लोग को दिखा। क्या सही लग रहा है यार, वहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी बाइक सबकी खड़ी है। एंड आप देखो ब्लू पानी, और सिर्फ आवाज़ सुनो थोड़ी देर आप। एक नंबर, आर्दिक ये आराम से जा, ए राइट 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 राइट। उछल लो उछल लो उछल लो भाई। ए हार्दिक, ए हार्दिक हेल्प कर। अरे हाथ काय दाखवतोय, कुठे घेतले तो मजबूत व्हिडिओ निकाल रहा। अरे पडला, ऑन व्हिडिओ पडला, व्हिडिओ काढतोय, व्हिडिओ काढतोय, काय बोलतोय तू। सो गाइस एडवेंचर देख लो, हम लोग को जाने का है, बट सागर रीजन बता हम लोग क्यों नहीं जा रहे। मेरा तो सैडल बैग लगा है बहुत, मेरा तो बैग है बट मेरे बैग में लैपटॉप है और थोड़ा हेवी वेट है और नीचे घिसेगा। मेरे को जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि बैग निकल के जाओ। एग्जैक्टली टेल बैग निकाल के जाओ। अरे हट बे, वो देख एक बंदा, अपना दो बंदे लोग गिर गए, मजाक नहीं, मजाक से हटके। बट भाई पानी ठंडा है, पानी अंदर गए रहेगा वो लोग के। गाइस ये देखो, चल चल यार लोग, गाइस ये देखो धूप में पानी का कलर और मस्त क्या आ रहा है, और हवा देखो कैसे चल रहा है, अपने लद्दाख का फ्लैग। हाँ चलो देखो, चलो ये
तो गाइस हम लोग बैठे हैं अभी बिस्किट मॉनेस्ट्री के यहाँ पे। अच्छा लग रहा है बैठ के, एकदम मस्त सा हवा चल रहा है, पीसफुल लग रहा है, पीसफुल लग रहा है। पीछे का व्यू देखो आप बस। और ये मूर्ति जो है 160 फीट का है, उसके पीछे आप सिटी का व्यू देखो और यहाँ का भी व्यू देखो, इतना बड़ा बड़ा लैंडस्केप है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, एकदम मस्त हवा आ रहा है ना फुल। हाँ यार, सिर्फ हवा का आवाज़ आ रहा है जो अपने कान में बज रहा है। लोग भी थोड़ा शांत है यहाँ पे। बाकी लिप्स की वजह से ना बहुत हालत ख़राब हो रहा है मेरा। वैसे भी ज़्यादा कुछ काम ही नहीं कर रहा है, जैसे ही बाइक लेके निकलते टनल जैसे लगता है ऐसा सुकड़ जाता है। हीरो शिंदे साहेब, हे आमचे एक्सपर्ट मुंबईचे शिंदे साहेब, ठीक आहे, आणि हे आमचे शरद पवार। शरद पवार एके स्पायडरमॅन। तो गाइस हम लोग रिटर्न नीचे जा रहे थे और यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया है, बहुत लोग ने पत्थर के ऊपर पत्थर ऐसा एक स्टोन्स ऐसा बना के रखा है हर जगह लेफ्ट और राइट पिलर में भी, यहाँ तक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पूरा। अगर वहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी बना के रखा है। और ये है सामने विलेज, ये है मॉनेस्ट्री पूरा शायद से। तो अभी जाते ही नीचे हम लोग एंड होटल ढूंढना बाकी है। आज हम लोग रुकने वाले नुब्रा में, थोड़ा नुब्रा में ज़्यादा ठंडी रहने वाली है रात को, तो बॉनफायर वगैरह माहौल बनाएंगे, इन शॉर्ट माहौल बनाने वाले हैं। तो चलते हैं अभी, और क्या, आपने देख लिया मूर्ति कैसा था, हमने भी देख लिया, अच्छा लगा। अभी जा रहे हैं नीचे, चलते और आपको सीधा मिलता हूँ मैं मोटो ब्लॉग। तो गाइस मेरे लेफ्ट सॉरी मेरे राइट में देख सकते हो आप, यहाँ पे लद्दाख का सैंड ड्यून्स है, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से देखने के लिए, अच्छा लगता है। बट एक बार बाइक फंस जाता है ना उतना ही गुस्सा आता है। मस्त लग रहा है यार एकदम, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे ये पहाड़ के पीछे धूप है और उसी धूप का रेज ये सामने वाले पहाड़ पर पड़ रहा है, मस्त लग रहा है यार। तो हम लोग हैं नुब्रा वैली में, तो पीछे हम लोग ने होटल देखा था, वो होटल अच्छा लगा था, तो सोचा हम लोग एक बार नुब्रा वैली घूम के आते एंड दिखाते आपको कैसा है क्या है। फिर उसके बाद वहीं पे हम लोग को और सस्ते में होटल मिल जाता है तो ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो पीछे जो था वहाँ पे डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था तो वो वाले होटल में स्टे कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, शेयर करना उतना बस हुआ, सब्सक्राइब भी करने बोल देना, काफ़ी मेहनत जा रही है। तो ऊपर से कहीं पे हम लोग को तो सैंड ड्यून्स दिखा था, मतलब जहाँ पे कैमल राइड्स होते हैं, तो जो मॉनेस्ट्री में हम गए थे वहाँ से हम लोग रिटर्न आते टाइम पानी का बॉटल लिया, तो उन्होंने बताया था कि अंडर विलेज करके है के है, तो वहाँ पे अपने को कैमल सफारी वो सब मिल जाएगा। बट हम लोग वो सब नहीं करने जा रहे, हम लोग बस नुब्रा वैली देखने जा रहे, दैट्स इट। तो यही है ऑलमोस्ट नुब्रा, बट मेन क्या है वो मैं आपको बताऊँगा व्लॉग में, देखते रहना।
पे लेफ्ट में देखो, देख नूबरा सराय हेमिटेज, ये देखो लेफ्ट में ये वाला, ये देखो टॉयलेट देखो, खुला टॉयलेट है, ओपन ओपन टॉयलेट है। वीडियो निकाल रहा हूँ, वीडियो निकाल रहा हूँ। बवाल लग रहे सब एकदम। वो एक्टिवा वाला अपने पीछे पीछे आ रहा है, अपने पीछे आ रहा है फुल। फंस गया वो आधा, आ रहे थे ऊपर कान फटके। हाँ ये क्या है ये वैली, ये क्या है ये वैली में बताओ। जाओ जाओ जाओ। ए सागर सागर, ए ए ए राइट नहीं है, या यस यस यस।